हेलो गाइस, सो अभी जो जीक्यू मैगजीन फोटो शूट हुआ था ना, वहां से वी से जब पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप अपनी लाइफ में किसको थैंक यू बोलना चाहते हो, तो वहां पे वी ने बताया कि वो योनटेन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ वी ने ये भी बताया कि वो योनटेन को कैनी को क्यों थैंक यू बोलना चाहते हैं। एंड अभी योनटेन की हेल्थ कैसी है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि योनटेन की हेल्थ अभी सही नहीं है, वी ने खुद से ये बात बताई है। सो आपको अगर जानना है क्या है क्या कुछ है तो वीडियो को एंड तक देखना। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो योनटेन है उनको BTS में 8वें मेंबर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इतना ही नहीं, वो ना वी के हैप्पीनेस की पिल है। जब भी वी योनटेन को देखते हैं तो उनके फेस पे एक अलग सा ही हैप्पीनेस होता है। एंड अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली वी ने एक योनटेन की स्टोरी को भी अपने इंस्टा पे पोस्ट किए हुए थे, जहाँ पे कि योनटेन यू नो एक क्यूट से बेबी के जैसे बैठे हुए थे। एंड वी वहाँ पे उनके साथ प्ले कर रहे थे। एंड जैसे ही वी ने अपने इंस्टा को ओपन किए, तो नेक्स्ट डे ही वी ने योनटेन की काफी पिक्स को भी अपलोड किए। एंड गाइस, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा जो BTS बॉम्ब आया था ना, जो कि जिसमें परमिशन टू डांस के बिहाइंड द सीन को दिखाया गया, तो वहां पे योनटेन के जैसा एक पपी था जो कि व्हाइट कलर का था। तो वी एकदम, मतलब वी को ना बिल्कुल अपने योनटेन की याद आ गई थी उस पपी को देख के। एंड वी उन यू नो उस पपी के साथ इतना ज्यादा खेलने लग गए कि वो ना उस पपी को कार में ला के उनके साथ खेलने लग गए, उनके साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी BTS मेंबर्स को भी बताया कि ना वो बिल्कुल योनटेन के जैसा है। एंड आपको तो ये भी पता होगा कि जो योनटेन है, जो टैनी है, वो BTS के साथ ही रहती है। ओके, तो ना सिर्फ वी बल्कि जितने भी BTS मेंबर्स है ना, वो सभी बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड टैनी से। लेकिन गाइस, अभी जो GQ मैगजीन का इंटरव्यू हुआ था, जब उसमें पूछा गया वी से कि आप एक यू नो ग्रेटिट्यूड लेटर कार्ड किसके लिए लिखना चाहते हो, थैंक यू कार्ड आप किसके लिए लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे ना वी ने बोले कि मैं ना थैंक यू कार्ड अपने टैनी के लिए लिखना चाहता हूँ, वो हमारा हाउस डॉग है। तो ऐसे करके वी ने उनको बताया। एंड गाइस, वी ने जो इमोशनल मैसेज दिए ना योनटेन को, वो सुनने के बाद आप जितने भी लोग हो, आई थिंक आप मुझे कमेंट में बताना आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनके घर पे पैट्स हैं, है ना। इफ यू विल आस्क मी, सो यप, आई हैव पैट, ओके, एंड आई हैव कैट, मुझे ना कैट अच्छे लगते हैं। तो यस, जब हमारे पास पैट होता है ना, तो वो बस पैट ही नहीं होते, वो बस कैट या डॉग ही नहीं होते, वो ना एक फैमिली के पार्ट होते हैं। जब हम कहीं से आते हैं उनको देखते हैं, तो एक हैप्पीनेस आ जाता है हमारे फेस पे, है ना। तो वी ने वहाँ पे बताया, जब योनटेन पैदा हुआ था ना, तब से ही उसकी जो सांस लेने की जो नली होती है ना, स्मॉल थी, तो योनटेन अच्छे से सांस नहीं ले पाता है। ओके, एंड इस साल ही योनटेन की 2 सर्जरीज हुई है जो कि फेल हो गए हैं। सोचो उस टाइम पे वी कितने ज्यादा, उस टाइम पे वी को कितना ज्यादा हर्ट फील हुआ होगा जब यू नो योनटेन की सर्जरी फेल हुई होगी। बिकॉज एज यू नो कि वी योनटेन को बहुत ही ज्यादा यू नो पसंद करते हैं, एंड ऑब्वियसली वो फैमिली का एक पार्ट है। सो वी ने आगे बोले कि मैं अपने योनटेन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इतना मेहनत करने के लिए, क्योंकि वो ना हल्का सा भी भागते हैं, यू नो एक बाइक भी भागते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा योनटेन हाँफने लगते हैं। तो वी ने बोला कि ना मैं चाहता हूँ कि मैं अपने योनटेन के साथ ऐसी फनी फनी मेमोरीज बहुत ही बनाऊँ, एंड मैं लाइफ टाइम टैनी के साथ रहना चाहता हूँ। सो गाइस, ये मैसेज बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। तो इसके बाद जो आर्मीज का रिएक्शन था, उनका कहना था कि जो वी है ना, वो बिल्कुल प्योर सोल है। लाइक उनको पता था कि टैनी की सिचुएशन क्या है, टैंस की सिचुएशन क्या है, तब भी उन्होंने उसको अडॉप्ट किया योनटेन को, है ना। तो वो एकदम सच में एकदम प्योर सोल है। तो ये जितने भी आर्मीज हैं उनका कहना है, वेल आप मुझे अपने रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।